देखो मुद्दा तो ऐसी है बात मान लिया सरकार सन उन्नीस में संविधान हुआ और उसमें सब आज़ाद हुए जब आज़ाद भारत हो गया तो इस आज़ाद भारत में मात्र राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों करी जा कि लोगों को गुलामी से महसूस हो आज़ाद भारत है सब गांव सब समाज आपस में एक साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं हमारा सवाल ये जो सरकार गांव में आरक्षण लागू करे कि भाई ये एस वर्ग में चला गया ये ओबीसी वर्ग में चला गया ये सामान्य वर्ग में चला गया मतलब एक बड़े तबके को चुनाव को लड़ने से रोकने का षडयंत्र सरकार मात्र वोट लेने के लिए करे तो सरकार ये समझे कि कोई नहीं चाहता कि गांव में प्यार न रहे इसलिए हम चाह रहे कि सभी गाँव सामान्य में हो और सभी को लड़ने का अधिकार दिया जाए चाहे वहाँ सी वर्ग का व्यक्ति लड़े चाहे ओ वर्ग का लड़े चाहे सामान्य वर्ग का लड़े इसलिए सरकार की नीति और नियत में खोट है जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तो दर शराब तो देखो मैं इस आज इस आज पंचायत में ये भी निर्णय लिया गया पूर्ण रूप से कि इस बार का जो चुनाव होगा चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो कोई भी कैंडिडेट चाहे वो प्रधान पद का दावेदार हो चाहे बीडीसी का दावेदार हो चाहे जिला पंचायत का दावेदार हो यदि किसी भी गाँव में वो शराब वितरित करता हुआ पकड़ा गया या उसने शराब जैसी कोई शिकायत आई या दावतों जैसी कोई शिकायत आई तो उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करा जाएगा उसे गांव में कोई वोट नहीं मिलेगी देखो भारत की संस्कृति है भारत में सरकार भी कह रही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हम इसका स्वागत करें लेकिन हम चाह के बेटियों का सम्मान भी भारत में रहे और वो सम्मान तब रहेगा जब वो भारत की संस्कृति को अपनावेंगे हम नहीं चाहते कि हमारे देश में और हमारे परिवारों में लड़कियां जीन्स पहरें और वो जींस पैर के बाहर जाएँ हमारा ये कहना कि वो भारत का जो परिधान है उसे धारण करें और जो लड़के गांव में हाप न पैर के फिरें या तहमंद पैर के फिरेंगे अब उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार बैस, भी करा जाएगा और यदि वो नहीं मानेंगे तो उन्हें दंडित भी करने का काम समाज करेगा देखो हमने आज एक घोषणा कर दी कोई नहीं चाहता कि उसकी लड़की जीन्स पहने यदि वो किसी गलत व्यवस्था में या शहर की व्यवस्था या उस हाई स्टेटस की व्यवस्था को देख के गाँव के कल्चर को वो समाप्त करना चाह तो उस परिवार से हम पहले कहेंगे कि वो सब मनावे और यदि नहीं मनाते तो उस परिवार को भी इसके लिए दंडित करा जाएगा किस तरह के दंड की की व्यवस्था गई? दंड तो है सामाजिक दंड बहुत है भाई। अगर वो नहीं मानते तो ठीक है वो अपना सामाजिक बहिष्कार झेलने के लिए तैयार रहे सरकारी दंड नहीं है कोई उन्हें जेल नहीं करवा सकते उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करवा सकते हम कह रहे कि समाज उनसे दूरी बनाने का काम करेगा और समाज की किसी व्यवस्थाओं में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा जो स्कूल देखो वैसे तो किसी स्कूल में मैं नहीं मानता कि सब में ड्रेस हैं ड्रेस कोड है ये एक व्यवस्था बनाई गई थी कि स्कूलों में जाके कॉलेजों में जाके एक व्यवस्था को संपूर्णता प्राप्त हो संपूर्णता कैसी कि यहाँ एक करोड़पति का लड़का भी उसी यूनिफॉर्म में आवे जिसमें एक गरीब का बच्चा जा स्कूलों में यह व्यवस्था है और मात्र जो स्कूल अपनी पब्लिक सिटी करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, उनसे भी हम ये प्रार्थना करेंगे कि वो या तो इसे बंद करें नहीं तो उनमें भी हम अपने बच्चों को जाने से पूर्ण पूर, पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास करेंगे